नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव अर्बन नक्सल और अभी हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कि शोषण कैसे किया जाता है, शोषण का फिलॉसफी क्या है, शोषण किस तरह से किया जाता है। ये समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका शोषण कैसे कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि शोषण एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है। दोस्तों, थोड़ी सी इतिहास को आप देखोगे तो आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश सरकार यहां पर आई थी भारत पर राज करने, तो पहले पहले ब्रिटिश सरकार यानी वो नेशनल एफर्ट नहीं था, उन्होंने एक कंपनी भेजा था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी भेजा था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर काबू किया था और फिर भारत को क्वीन विक्टोरिया को दे दिया, या फिर क्वीन विक्टोरिया ने भारत को ले लिया। किंग जॉर्ज थे या क्वीन विक्टोरिया थे या जो भी थे रॉयल्टी, तो देश के ऊपर पहले हुआ था कंपनी सरकार का कब्जा। आज भी हमारे आपके और मेरे ऊपर हो रहा है कंपनी सरकार का कब्जा। आप और मैं कंपनीज को हमारे अपने मालिक समझते हैं और हमें ऐसे समझाया जाता है, हमारे दिमाग में ऐसे फिट किया जाता है। तो ये जो दिमाग में फिट करने का जो काम है ना, असली शोषण का रूट का जो स्रोत है वो वहीं से शुरू होता है। इट इज द रूट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वहां से शुरू होता है, वो शोषण का गौमुख है। यानी नदी अगर निकलती है तो वो कहते हैं ना गौमुख से निकलती है, जिस जगह से नदी निकलती है उस तरह से इस गौमुख से शोषण निकलता है। वो गौमुख क्या है? वो गौमुख ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बार बार तोड़ा जाता है, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो आत्मसम्मान है, उसका स्तर गिराया जाता है, धीरे धीरे आपको तोड़ा जाता है और आपके दिमाग में एक चीज फिट किया जाता है जो वो आपको आपके दिमाग में डालना चाहते हैं। यानी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, कई एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको आपसे एक 5 मिनट का इंटरवल चाहता हूं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, मैं जो बोलता हूं वो क्या बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, उसका आपको एक फिलोसॉफिकल ओवरव्यू देना चाहता हूं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं एक ही थीम, एक ही टॉपिक को लेके उसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, उसी चीज को लेके, बिल्डर का शोषण कैसे होता है, क्यों होता है, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसी के अंदर आप देखोगे कि मैं घूमता हूं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, टोकन, अग्रीमेंट, अलॉटमेंट लेटर, राइट, बुकिंग अमाउंट, यही सब इसी के अंदर मैं घूमता हूं। ऐसा क्यों है कि मैं किसी एक और टॉपिक को लेके नहीं निकलता हूं? वैसे थोड़ा बहुत निकलता भी हूं, कभी कभी मोदी सरकार की भी बात कर लेता हूं, लेकिन ओवरऑल मैं ऐसे नहीं करता हूं, मैं एक ही जगह पे रहता हूं, इसी बात पर मैं रहता हूं। ऐसा क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको एक बात एडमिट करना चाहता हूं कि मुझे एक बंदे ने बहुत इंस्पायर किया इस बात को लेके कि क्यों एक ही बात पे लगे रहना चाहिए। और वो जो बंदा था वो कॉरपोरेट गुरु है। उस कॉरपोरेट गुरु का नाम है विंडी बंगा, आप गूगल करके देख लीजिए, VINDI बंगा। आई थिंक हिंदुस्तान लिवर के सीईओ थे। तो विंडी बंगा के एक टॉक में मैं गया था जहां पे उन्होंने करीब 15-20 मिनट के लिए बात किया था और विंडी बंगा ने बहुत खूबी से एक बात समझाया था।
उन्होंने समझाया कि दोस्तों, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो ना, तो आपको मूर्ख बनना चाहिए, आपको बुद्धिमान नहीं रहना चाहिए। आप बुद्धिमान जब तक रहते हो, तब तक आप दुनिया को नहीं बदलोगे, आप दुनिया के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते हो। तो मूर्ख बनना और बुद्धिमान रहना उन्होंने इलैबोरेट किया। उन्होंने कहा, देखो, अगर एक आदमी एक ही बात को बार 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 दोहराता है ना, तो उसे मूर्ख कहा जाता है। लेकिन हमें एक बड़ी एंजाइटी लगी रहती है हमारे दिल के अंदर कि कोई हमें मूर्ख न समझ ले, इसलिए हम है ना हर बार नई बात को लेते हैं, नया चीज के बारे में बात करते हैं, एक ही बात को वो के अंदर घूमते नहीं है। लेकिन विंडी बंगा ने कहा कि मैं जो हूं, मैं एक ही बात को लेके घूमता हूं और एक ही बात को पकड़ के रहता हूं, इसलिए मैं कॉरपोरेट ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता हूं, मैं मेरे कंपनी के अंदर जो की जो सोच है उसे बदल सकता हूं। और ये कैसे और क्यों होता है? वो इसलिए होता है, उसने कहा, और मैंने बिल्कुल ही मैं सहमत हूं इस बात पर। वो इसलिए होता है कि अगर आप एक ही बात बार बार दोहराते हो ना, तो जैसे ही लोग आपके चेहरे को देखते हैं, उनको वो बात याद आती है। तो विंडी बंगा कहते हैं कि मैं जब कंपनी में घूमता हूं, कहीं भी जाता हूं, तो मैं अलग अलग बातें नहीं करता हूं। जैसे ही लोग विंडी बंगा को आते हुए देखते हैं, वो कहते हैं, हाँ, विंडी तो यही कहेगा, और वही मैं कहता हूं, वही कहता हूं जिसकी जिसके बारे में वो सोच रहे हैं मेरे चेहरे को देख के। तो इससे क्या होता है कि वो मैसेज मेरा जो है वो रीइंफोर्स होता है, बार बार दिमाग के अंदर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, यही तो कर रहा हूं। मैं एक ही बात को, बिल्डर का शोषण कैसे होता है, टोकन, रिफंड, फॉरफीट, यही सब कहते रहता हूं ना। वो इसलिए है क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन बातों पर परिवर्तन आए, दुनिया बदलना चाहिए। मैं अपनी बुद्धिमानता को दिखाना नहीं चाहता हूं, मैं लोगों को यह दिखाना नहीं चाहता हूं कि मुझे कितना जनरल नॉलेज है और मैं किन किन बातों पर यानी मेरा ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं कर रहा हूं। मुझे चाहिए कि परिवर्तन हो इन बातों पर। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपका आत्मविश्वास कैसे तोड़ा जाता है। तो आपका आत्मविश्वास तोड़ने का जो तरीका है वो ये है कि आपके दिमाग में एक अलग ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिट किया जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल देके। आप जानते हो कि हाथी को काबू में कैसे लाया जाता है, राइट? जब हाथी छोटा होता है तो उसको उसके पैर पे एक मामूली सा डोर भी बांधोगे ना, तो वो खींच नहीं सकता, वो खींचेगा तो टूटेगा नहीं। हाथी बचपन में उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है, उसकी ताकत बढ़ते जाती है, बड़े होने के बाद वो एक बड़ा सा चेन को भी तोड़ सकता है। लेकिन बचपन से उसे बांध के रखते हैं और उसके मन में ये विश्वास बिठाया जाता है कि वो बंधन को तोड़ नहीं सकता है, उसके पांव पे अगर बंधन है तो वो टूटेगा नहीं, इस तरह से उसके मन में विश्वास बैठाया जाता है। तो जब वो बड़ा हो जाता है, वो चेन को तोड़ने की कोशिश नहीं करता है, पूरी कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके मन में बैठ गया है कि वो चेन को नहीं तोड़ सकता है, वो कमजोर है। सेम वे फ्लैट बायर के दिमाग में बैठाया गया है कि आप अपने टोकन अमाउंट को एक बार बिल्डर के पास दे दोगे तो आप उसे नहीं ले सकते वापस, आप बुकिंग अमाउंट को वापस नहीं ले सकते हो, आप फॉरफिटेड अमाउंट आपका जो भी हो, चाहे वो 2 लाख हो, चाहे वो 20 लाख हो, चाहे वो 50 लाख हो,
ऐसे बड़े बड़े रकम भी फॉरफिट किया जाता है और बिल्डर्स आपके दिमाग में वो चीज डाल देते हैं कि आप अपना फॉरफिट वापस नहीं ले सकते हो, वो वापस नहीं देंगे, वो बहुत बड़ी कंपनी है। और ये भी बात आपके दिमाग में डाल देते हैं कि आप कमजोर हो, आप कमजोर हो, आपके अंदर वो ताकत नहीं है, आपके अंदर वो विल पावर नहीं है या आपके अंदर वो लीगल पावर नहीं है कि आप लड़कर अपने पैसों को वापस ले सकते हो। और वो ये भी आपके दिमाग में फिट बैठा देते हैं कि वो सही कर रहे हैं और आपकी मांग जो है ना, पैसे वापस लेने की जो मांग है वो गलत है। तो ऐसी सब बातें आपके दिमाग में ठूस दी जाती है और इसकी वजह से आप जब अपने पैसों को वापस मांगते हो तो कॉन्फिडेंस से नहीं मांग सकते, आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहता, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं रहता है। और यही बात वो CRM के थ्रू भी करते हैं। तो सोच लीजिए कि आप एक फ्लैट बायर हो, आपने फ्लैट लिया यानी बुक किया। सोचिए, मैं शब्दों को करेक्ट उसकी बारीकी में जाना चाहता हूं। आपने बुकिंग के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन के साथ आपने दिया समझो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। एप्लीकेशन फॉर्म में क्लियर कट लिखा गया है कि वो आपको बुकिंग दे नहीं रहे हैं, उन्होंने आपको बुकिंग दिया नहीं है, आपने बुकिंग मांगा है। अब आप कैंसिल करना चाहते हो, वापस मैं गलत बोल गया, वो कैंसिल, आप कैंसिल करना चाहते हो किस चीज को, बुकिंग को नहीं, क्योंकि बुकिंग आपको दिया नहीं गया है। अब आप कैंसिल करना चाहते हो आपके एप्लीकेशन फॉर बुकिंग को, आपने जो मांगा है वो मांग आप कैंसिल कर रहे हो, आप बुकिंग कैंसिल नहीं कर रहे हो, याद रखो। तो इस तरह से आपके दिमाग में बैठाया जाता है कि अगर आपने बुकिंग के लिए एप्लीकेशन कर दिया तो आप बंधन में आ गए, आप बिल्डर के बंधन में आ गए। ये बिल्डर का पॉलिसी है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, ये सही है, यही सही है, ये सब आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। और अब आप डरते डरते कैंसलेशन के लिए ईमेल लिखते हो या डरते डरते आप फोन करके कहते हो कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। आप उस भाषा में नहीं कहते हो, आप कहते हो मुझे कैंसिल करना है। तो ये जो परिभाषा है, जो डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशंस को ठीक से आप समझ लीजिए। आप उस तरह से कहते हो कि मुझे फ्लैट बुकिंग कैंसिल करना है, लेकिन आपको बुकिंग दिया ही नहीं है। आप ऐसे सोच लो कि आप एक टॉकीज के सामने खड़े हो, पिक्चर का टिकट लेना चाहते हो, पिक्चर के लिए आपने पैसे दिए, उन्होंने टिकट नहीं दिया है। अब अचानक से आप पैसे वापस खींच लेते हो और कहते हो नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहते हैं नो नो नो, अब तो आपको लेना ही पड़ेगा, और अगर नहीं लोगे तो आप जो टिकट के लिए पैसे दे रहे हो वो हम जब्त कर लेंगे। तो इस तरह से अगर उन्होंने कहा तो कैसे गलत होगा, वैसे ही टोकन और बुकिंग अमाउंट का जब्त करना गलत है, बिल्कुल गलत है। जब तक अग्रीमेंट नहीं हो जाता है आपके ऊपर किसी तरह का बंधन नहीं है। फिर भी आप अगर डरते डरते बिल्डर के ऑफिस में फोन करके या ईमेल करके मांगते हो तो बिल्डर क्या कहता है, बिल्डर आपके दिमाग में डाल देता है कि आप रूल्स तोड़ रहे हो। उसने वैसे तो ऑलरेडी डाल दिया है आपके दिमाग में, आप ऑलरेडी सोच चुके हो कि आप रूल्स तोड़ रहे हो, ऐसे आप सोच ही रहे हो। वो और थोड़ा आपके दिमाग में डाल देता है कि देखिए सर, आपने हमको नुकसान पहुंचाया है, आपने हमारा लॉस किया है, आपने बुकिंग किया था, आपकी वजह से हम फ्लैट बना रहे हैं,
लेकिन ये गलत है। वो फ्लैट और वो बिल्डिंग पहले से ही बनाने निकले थे बिल्डर, वो आपके कारण से नहीं निकले हैं। वो कहते हैं देखो सर, हमारा सेल्स ऑफिस का स्टाफ है, स्टाफ को पैसे देने पड़ते हैं, ब्रोकर्स को एक कमीशन देना पड़ता है। अब ये सारी जो बातें हैं ये मार्केटिंग के कॉस्ट्स हैं, वो कॉस्ट्स बिल्डर के हैं, आपके नहीं है। आपने नहीं कहा कि बड़ा सा शोरूम खोल के बैठो, आपने नहीं कहा है किसी से कि आप पिकअप ड्रॉप ऑफ के लिए टैक्सी भेजो, या आपने नहीं कहा। ये सेल्स के कॉस्ट हैं, सेलिंग कॉस्ट है, और सेलिंग कॉस्ट एक ओवरहेड है, मार्केटिंग कॉस्ट एक ओवरहेड, ओवरहेड्स में माना जाता है, यानी उनका रेगुलर फिक्स्ड कॉस्ट है। उसके लिए आप बिल्डर को भरपाई करोगे इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये गैर कानूनी है। बिल्डर आपसे अगर मांग रहा है कि आप उसे रिफंड करो या उसको भरपाई करो, तो वो गलत मांग रहा है, आप समझे। तो ये सारी बातें लेकिन आपके दिमाग में फिट कर दी जाती है। और इससे भी आगे और भी मैं आपको समझाता हूं। आप फोन करते हो तो सीआरएम वाले आपको कॉल करते हैं, पहले आपको सुनते हैं। पहले समझो एक लड़का कॉल करता है, उसका नाम है अभिलाष। अब अभिलाष कॉल करेगा और वो आपका सुनेगा और कहेगा सॉरी सर, लेकिन आपने तो एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया है ना, आपने पढ़ा था ना एप्लीकेशन फॉर्म, अब आप कैसे मना कर रहे हो। तो इस तरह से अभिलाष आपको गिल्टी फील करवाएगा। फिर आप कहते हो हाँ लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है। तो आप गिल्टी फील करते करते मेरी मजबूरी है वगैरह वगैरह कहने लगते हो, तो इसका मतलब आप और भी गिल्टी फील कर रहे हो कि ये आपकी गलती की वजह से बिल्डर का नुकसान हो रहा है, आप गिल्टी फील करते हो। यही गिल्टी फीलिंग का वो लोग इस्तेमाल करते हैं। बाद में अभिलाष ने आपसे बात किया, उसके बाद एक लड़की फोन करेगी, बीना आपको फोन करेगी, वो कहेगी हाँ सर आपका कैंसलेशन का कॉल था, आप कैसे कैंसलेशन कर सकते हो सर, आप नहीं कर सकते हो सर। तो इस तरह से कह के बिना आपको, आपका विश्वास तोड़ेगी, आपका भरोसा, आपका जो आत्मविश्वास है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, उसको धीरे धीरे तोड़ देगी, फाड़ देगी। उसके बाद फोन करेगा चेतन, उसके बाद फोन करेगा दिनेश। ऐसे करते करते 1 2 3 4 5 6 लोग आपको फोन करते हैं। आप अगर लड़ते रहोगे तो अलग अलग लोग आपको फोन करते रहेंगे, और बेसिकली बात जो आपके दिमाग में डालते हैं वो सेम बात है, सेम एक ही बात डालते हैं, सर कंपनी की पॉलिसी है फॉरफिट हो जाता है, रिफंड नहीं मिलता है, ये कंपनी की पॉलिसी है, सर आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन किया था, ये आप जिम्मेदारी ले चुके हो, ये अब आपकी जिम्मेदारी हो गई है। लेकिन वो सब लोग एक बात आपको नहीं बताते हैं, वो बात ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म के जरिए आपको बुकिंग नहीं मिला था, अलॉटमेंट लेटर भी अगर हो गया तो भी आपको बुकिंग नहीं मिला था, क्योंकि अलॉटमेंट लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म में भी क्लियर कट लिखते हैं वो लोग कि जब तक अग्रीमेंट नहीं हो जाता है बिल्डर आजाद है, वो बेच सकता है, वो फ्लैट का भाव यानी प्राइस चेंज कर सकता है, ऐसे सब बातें वो लोग डाल देते हैं इसके अंदर। तो एप्लीकेशन फॉर्म के टर्म्स ऑफ कंडीशन में ही लिखा हुआ है कि बिल्डर आजाद है, तो आपको उसने क्या बेचा, आप समझ रहे हो मेरी बात। टोकन का मतलब यह होता है कि बिल्डर के लिए भी, वो बिल्डर को भी वो टोकन बांध देता है, बुकिंग अमाउंट उसको भी बांध देता है, फ्लैट फिर आपके नाम पे आ जाता है, यानी वो फ्लैट को कोई किसी और को बेच नहीं सकता है, तो जाके होता है सही मायने में टोकन।
लेकिन ये लोग कहते हैं हम कहीं भी बेच सकते हैं, हम किसी भी तरह से बंधे हुए नहीं हैं, हम फ्री हैं, हम प्राइसेस चेंज कर सकते हैं, हम टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर सकते हैं, हम फ्लैट के शेप को चेंज कर सकते हैं, उसके लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, या आपको बाद में फोन करके कह सकते हैं सर सॉरी आपने बुक किया था 11th फ्लोर पे B1101 जो ईस्ट फेसिंग है, लेकिन आई एम सॉरी सर वो फ्लैट अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? अगर बुकिंग हो गया है, टोकन हो गया है, क्यों अवेलेबल नहीं है? नहीं सर सॉरी अवेलेबल नहीं है, अब आपको वेस्ट फेसिंग का और एक फ्लैट मिलेगा जो 13th फ्लोर पर है और आपको वही लेना पड़ेगा सर सॉरी। ऐसे सब कह देते हैं, या फिर कह देते हैं सर हमारा प्योर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी था लेकिन अब ये कमर्शियल कम रेसिडेंशियल हो गया है, अब आपको अग्री करना ही पड़ेगा नहीं तो पैसे तो आपके जब्त हो जाएंगे। ये टाइप की बातें वो कर लेते हैं। अगर आपका टोकन और बुकिंग अमाउंट बाइंडिंग है तो ये कैसे हो सकता है? तो इन शॉर्ट मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, आपके दिमाग में फिट डाला गया है, फिट बैठाया गया है। और पब्लिक के दिमाग में क्यों फिट बैठाया, कैसे फिट बैठाया? क्योंकि हर ब्रोकर, हर एस्टेट एजेंट, हर चैनल पार्टनर, हर न्यूज़पेपर, हर वेबसाइट और हर एक बिल्डर का, हर एक सेल्स ऑफिस का हर एक बंदा और हर एक CRM यही बात आपके दिमाग में डालते रहता है, टोकन बुकिंग अमाउंट इरिवोकेबल है, आपको वापस नहीं मिलेगा, यही सब आपके दिमाग में डालते रहते हैं। इसलिए आपको ये समझना चाहिए, ये मूल बात पर जाना चाहिए कि यह व्यवहार क्या है। आप टोकन दे रहे हो, क्या उससे बिल्डर बंधा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो टोकन अगर बिल्डर को बांध नहीं रहा है तो टोकन कैसे बना? आप अगर रीसेल मार्केट में जाते हो और एक इंसान अपना फ्लैट बेच रहा है, आपने उसे टोकन दे दिया तो आपने उसे बांध लिया, फिर वो घर किसी और को नहीं दिखाएगा और वो प्राइस भी चेंज नहीं करेगा, प्राइस भी फ्रीज हो जाता है और हर चीज फ्रीज हो जाता है। फिर वो बाद में चल के ये नहीं कह सकता है सॉरी मैं पूरा घर बेचने निकला था लेकिन अब मैं एक रूम सेल नहीं करूंगा तो आपको बाकी के रूम्स ही खरीदने हैं, या इस टाइप की फालतू की जो भी बातें हैं वो नहीं करता है। वो जो पूरा फ्लैट विद पार्किंग बेचने वाला था वो उस पर कमिटेड हो जाता है, टोकन सेलर को बांध देती है, बायर को भी बांधती है। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में सेलर को बांधा नहीं जाता है, बिल्डर को बांधा नहीं जाता है, लेकिन बायर को बांधा जाता है बुकिंग अमाउंट के जरिए। तो ये टाइप का जो काम है ये आपके मन में फिट किया जाता है, आपको ब्रेन वॉश किया जाता है।